हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और उसमें थोड़ा बहुत अपन ने रूट के बारे में पढ़ा था कि रूट की स्ट्रक्चर, फिर आपने उसके रीजन वगैरह, क्षेत्र वगैरह भी पढ़ लिए थे। आज अपन इसमें ही एक चीज़ आगे बढ़ा रहे हैं, मूल के रूपांतरण, मेटामॉर्फोसिस ऑफ रूट। अब यहाँ पे क्या है कि अभी अगर आपसे मैं फंक्शन पूछूं, मूल के कार्य पूछूं, तो आप कहोगे कि वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट को या ट्री को, प्रोटेक्ट करता है, बेस उसका बनाता है। तो ये कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये जो है फंक्शन है। लेकिन इन फंक्शन के अलावा भी ऐसे फंक्शंस हैं जो कि रूट से रिलेटेड नहीं है, और उन फंक्शंस के लिए जो है रूट को अपने शेप साइज या आप कह सकते हो स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ता है। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है कि जब फंक्शन भी चेंज हो रहा है और फंक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर भी चेंज हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस या रूपांतरण। अब देखो यहाँ पे बहुत सारे रूपांतरण हैं। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं कि आपने कैरेट और टर्निप, गाजर और शलजम देखा ही होगा। तो ये जो है इसको अपन खाने के काम में लेते हैं, और तो रूट्स नहीं लेते, लेकिन ये वाली रूट लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि इसमें जो प्लांट है वो प्लांट फूड को रिजर्व करता है, खाद्य संग्रह का कार्य करता है। तो अगर वैसे आप रूट देखते हो तो आपको लंबी पतली ऐसे मिलेगी, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखो तो गाजर आपको कितनी मोटी कोनिकल शेप मिलती है, और वहीं पर आप शलजम देखो या जिसे टर्निप बोलते हैं तो वो आपको थोड़ी सी गोल पिचर शेप में मिलती है। तो ये जो है ये फूड स्टोरेज के लिए एक रूपांतरण है, एक मेटामॉर्फोसिस है। और ये जो है ये किसका है, टैप रूट का। अब अगर आप रेफरेंस बुक वगैरह पढ़ोगे तो उसमें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अगर आता है कि फूड स्टोरेज के लिए टैप रूट, तो आप एग्जाम्पल दोगे कैरेट या टर्निप या शलजम, ठीक है। और अगर हमारे पास में यहीं पे आ जाए कि अपस्थानिक या जो एडवेंटियस रूट्स कल मैंने आपको बताई थी, तो उसमें भी फूड स्टोरेज का एग्जाम्पल है, और वो कौन सा है आपका, शकरकंद, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्वीट बीट पटेटो। तो ये जो है इस तरीके का शकरकंद होता है जो कि एक एडवेंटियस रूट है, एक अपस्थानिक है रूट, लेकिन इसका ओरिजिन है वो प्रॉपरली या ट्रू नहीं होता है। फिर उसके बाद में एग्जाम्पल है एक और कि आपने बरगद का, जिसे अपन बोलते हैं फाइकस बेंगलिस जो है, वो प्लांट देखा होगा, और उस प्लांट काफी बड़ा, और ये फोटो वोटो में सब आपको दिखाई रही हूँ। तो यहाँ पे इतना बड़ा पेड़ होता है, और ये अगर हम एज के हिसाब से देखें तो ये पेरेनियल तो है ही, बहुवर्षीय तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में कई जो बड़ के पेड़ हैं या बरगद के पेड़ हैं वो 500 से 700 साल तक के होते हैं। तो उस समय क्या है, जब इतना पेड़ एज हो जाती है तो इसकी ब्रांचेस निकल आती हैं, और उन ब्रांचेस से आपको ब्राउन कलर की जो है स्टेम जैसी स्ट्रक्चर लटकती हुई दिखाई देती है, और उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट, और या आधार देने वाली रूट्स। और ये आधार के साथ साथ में जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट से वाटर वेपर या नमी या ह्यूमिडिटी उसको भी एब्जॉर्ब ये करती है। तो ये हो गई प्रॉप रूट। फिर उसके बाद में जो है गेहूं, मक्के, अगर जब आप ये देखो क्या कहते हैं, गन्ना देखो, तो गन्ने में आपने देखा होगा कि नीचे की तरफ जो है आपको जो नोड होती है, जो पर्व संधि होती है, उससे जड़ें निकलती हुई दिखाई देती हैं। और इनका काम क्या होता है, क्योंकि गन्ना इतना लंबा होता है कि अगर थोड़ी सी हवा वगैरह आएगी तो गिर सकता है, तो इसलिए जो है इसमें इसको बोलते हैं स्लिट रूट्स या अवस्थम्भ रूप रूट या मूल, जो कि क्या करती हैं, इसको सहारा प्रदान करती हैं ताकि ये ऐसे लंबे पतले जो है, चाहे बांस हो चाहे ये आपका सुगर केन हो, तो वो गिरे नहीं। तो ये आपका किसका हो गया, मेज भी में भी मिलेगी आपको, मतलब जो एक बीजपत्री या मोनोकोट प्लांट से जो लंबे पतले हैं उनमें ये आपको इजीली मिलेगी। उसके बाद में जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है श्वसन मूल, रेस्पिरेटरी मूल है और रूट है, और इसको इसका दूसरा नाम है निम्यूटोफोरिया। आप एग्जाम्पल देखो कि ऐसे प्लांट जो कि किसमें होते हैं, दलदल में, मार्स
जो एरिया होता है जहाँ की जमीन के अंदर, जैसे मान लीजिए कि कहीं पानी भर गया है, तो उसकी जो सॉइल होगी उस सॉइल के अंदर ऑक्सीजन नहीं होगी। तो इस वजह से पहली बात तो पौधे ही नहीं लगते हैं। जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो पौधे नष्ट हो जाते हैं, वो इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि जब सॉइल की ऑक्सीजन खत्म हो गई तो जो है वो प्लांट भी क्या होता है, श्वसन क्रिया नहीं कर पाता है, इसलिए वो मर जाता है। तो यहाँ पर कुछ ऐसे पौधे हैं जो दलदल में उग रहे हैं, अब वो क्या करें? तो उसके लिए क्या होता है कि उनकी रूट्स वापस से जमीन से निकल के कहाँ आ जाती है, हवा में आ जाती है, और हवा में आके फिर वो ऑक्सीजन जो है वो लेती है। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं, श्वसन मूल या न्यूमेटोफोर। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, या तो आप मैग्रोव प्लांट्स कह दो, कभी कोई बॉम्बे वगैरह गया हो तो वहां पे आपको ये प्लांट्स बहुत मिलेंगे। प्लस इसका अगर और एग्जाम्पल आप चाहते हो तो राइजोफोरा, तो मैग्रोव प्लांट्स भी कह सकते हो, राइजोफोरा भी कह सकते हो। और ये प्लांट्स और भी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है किसका, विवीपैरस का। जरायुज, जैसे आपने देखा है कि जो एनिमल्स हैं उनमें ही बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता होती है, बाकी जितने जो प्लांट्स हैं वो सभी प्लांट्स में, चाहे लोअर कैटेगरी के हों चाहे हायर कैटेगरी के हों, सीड्स ही बनाते हैं, फिर वो जर्मिनेट होता है, फिर प्लांट उगता है। लेकिन ये मैग्रो प्लांट्स ऐसा है जिसमें कि फ्रूट फ्रूट के अंदर सीड डेवलप होगा, ये सारा काम कहाँ होगा, ये सारा काम प्लांट के ऊपर होगा, और वो जब जर्मिनेट हो जाएगा, एक छोटा सा उसमें पेड़ बन जाएगा, तब वो जो है दलदल में गिर जाएगा और न्यू प्लांट में स्टेब्लिश करेगा। तो इसको अपन विवीपैरी या जरायुज भी कहते हैं, तो उसका भी ये एक बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, तो इसको आप कर लेना। अब यहाँ पे देखो, मूल के रूपांतरण कंप्लीट हो गए, अब अपन सेकेंड स्टार्ट कर रहे हैं तना या स्टेम। अब स्टेम या तना, अगर मैंने रूट की भी आपसे डेफिनेशन पूछी थी तो यहाँ पे वही डेफिनेशन आपकी किसकी होगी, स्टेम की, लेकिन यहाँ पर रेडिकल की जगह क्या आ जाएगा, प्लूमूल या प्रांकुर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्टेम, तो आप क्या कहोगे, विच इज फॉर्म्ड बाय प्लूमूल, या जिसका निर्माण प्रांकुर से होता है उसे हम क्या बोलते हैं, तना या स्टेम। ठीक है, अब उसके बाद में जैसे मान लीजिए कि ये तो चलो उत्पत्ति की बात हो गई, अब मैं आपको एक रूट और एक आपको स्टेम, दो चीज मैं अगर आपके सामने रख दूं और पूछूं कि इसमें से स्टेम बिल्कुल एक जैसी आपको दिख रही है, लेकिन अगर आपको सामने रख दूं और आपसे पूछूं कि इसमें से कौन सा रूट है या कौन सा स्टेम है, तो आप कैसे पहचानोगे? जब आप उसको देखोगे तो उसमें आपको नोड और इंटर नोड दिखेंगे, तो वो है स्टेम, और वो बिल्कुल स्मूथ है, उसमें कोई आपको रिज या कोई भी ग्रो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब वो क्या है, रूट है। तो जैसे ये आपको नोड और इंटर नोड किसमें बहुत अच्छी तरीके से दिखते हैं, जैसे आप शुगर केन गन्ना, उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से दिखेंगे, अपना जो बैम्बू होता है, बांस होता है, उसमें आपको दिखेंगे, तो ये इसकी स्पेशल है। तो अगर आपसे पूछा जाता है, अगर डेफिनेशन पूछी जाती है, तो एक तो आप प्लूमूल या प्रांकुर का दोगे, और दूसरा आप क्या कहोगे कि प्रेजेंस ऑफ नोड और इंटरनोड, पर्व और पर्व संधियां अगर उसमें उपस्थित हैं तो उसको आप क्या कह सकते हो, तना कह सकते हो। और इसी आधार पे अभी जब आप इसका मॉर्फोसिस पढ़ोगे तब आपको ये चीज़ समझ में आएगी। अब देखो, जैसे अगर अपन कलर वगैरह देखते हैं तो जब यंग होता है तो ग्रीन कलर का होता है, वैसे अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद में अब यहाँ पे देखो, अगर मेन फंक्शन हम देखें तो इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, किसी भी चीज़ को ट्रांसफ़र करना, चाहे पत्तियों ने खाना बनाया तो प्लांट के सब जगह पहुँचाना, या रूट ने वाटर एब्जॉर्ब किया तो प्लांट के सभी पार्ट्स में। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, संवहन, जिसे क्या बोलते हैं, कंडक्शन कह दो या फिर आप ट्रांसफ़र कह दो। तो ये काम किसका होता है, सबसे ज़्यादा स्टेम। और इसमें जाइलम और फ्लोएम, अभी जब अपन टिश्यूज पढ़ेंगे तब उसमें आएगा, तो वो इसमें यहाँ पर हेल्प करते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ प्लांट्स में ये ग्रीन कलर का होता है तो वहाँ फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का कार्य भी करता है। अब यहाँ पर देखो कि जैसे अपन ने रूट के वो देखे थे, वैसे ही अब यहाँ पे थोड़े से अपन स्टेम के रूपांतरण देखते हैं। तो इसमें बेस्ट जो है वो आपको फूड स्टोरेज का, आलू, ठीक है, पटेटो। अगर अभी आप किसी बच्चे को, आप तो खैर जानते हो, लेकिन अगर किसी छोटे से बच्चे को कहो
जो आलू है, पटेटो है, ये स्टेम है, तना है। तो उसके दिमाग में क्या है कि तना कैसा होता है, लंबा पतला जो जमीन के ऊपर होता है, तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा। तब अपन इसको कैसे समझा सकते हैं कि जैसे सबने आलू देखा है, इसीलिए मैं आपको एग्जांपल बता रही हूँ कि उसमें आपको छोटे छोटे से गड्ढे से दिखेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आईज, आँखें। और इनमें से फिर अगर थोड़े दिन आलू पड़ा रहे तो इसमें से जो है आपको बड्स या कलिकाएं दिखने लगती हैं। तो जो ये आंखें, ये तो क्या है, नोड या पर्व संधि। और जो बाकी पोर्शन है वो पोर्शन क्या कहलाता है, पर्व या इंटरनोड। तो इसलिए जो है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप स्टेम को, ये पोटैटो को स्टेम क्यों कहते हो, अंडरग्राउंड स्टेम, तो आप कहोगे प्रेजेंस ऑफ नोड एंड इंटरनोड, सबसे पहली बात। तो ये यहाँ पे फूड स्टोरेज के लिए एग्जांपल हो गया आपका, क्या आलू है, अदरक है, हल्दी है, जमीकंद है, ये सब जो है फूड स्टोरेज के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसके बाद में फिर है प्रतान, या इसको बोलते हैं टेंड्रिल। जैसे कई पौधे हैं, उन पौधे जैसे लौकी, तोरई वगैरह में आपने, क्योंकि अपन कभी कभी गांव जाते तो वहाँ देखते भी हैं, वैसे भी आप देखो तो आपको ऐसी स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। और ये जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग जो है दूसरे जो प्लांट है उस प्लांट से प्रोटेक्शन लेने के लिए होती है। तो इसे हम बोलते हैं टेंड्रिल या प्रतान। और इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ये तोरई वगैरह जिसमें ये होती है। उसके बाद में फिर यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल है आपका बोगनविलिया का। तो उस बोगनविलिया में छोटे छोटे कांटे होते हैं, तो वो भी इसका यहाँ पे, वो भी प्रोटेक्शन के लिए आप उसको कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो हमारे पास में क्या कहना चाहिए, कैक्टस वगैरह, या आप ये मान लीजिए कि जो हमारे जीरोफाइट्स हैं, तो उनमें भी जो तने, उन तने में जो है कांटे पाए जाते हैं। और जो जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं डायग्राम पे को बता रही हूँ, ओपनसिया कैक्टस ग्रीन कलर का, जिसको नाक फनी कहते हैं, यहाँ पे तना कैसा हो जाता है, चपटा। अगर अभी मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे जो आपको तना दिख रहा है, मतलब ये चपटा भाग, तो वैसे तो आपको क्या दिख रहे हैं, पत्तियाँ दिख रही हो, पत्तियों पे कांटे नहीं। यहाँ पे जो आपको ग्रीन पार्ट दिख रहा है ये तो है स्टेम, और उसके ऊपर जो स्पाइंस या कांटे लगे हुए हैं वो क्या है, लीफ है। और इसका मेन फंक्शन क्या है कि लीफ जो है वाटर को रिलीज करती है, इवैपोरेट करती है, इसलिए उसको बचाने के लिए उसको तो बदल दिया स्पाइन में, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए जो तना है वो फ्लैट यहाँ पे हो जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल हो गए। उसके बाद में कुछ हमारे जैसे रूट्स वगैरह हैं ग्रास वगैरह में, तो अगर हम ग्रास है तो उसको हम तोड़ के अलग अलग जगह लगाते हैं, तो यहाँ पे जो स्टेम है वो एज ए रिप्रोडक्टिव, या जिसको अपन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो यहाँ पर हम इसको करवा सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ और रूपांतरण है जो कि मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताते जा रही हूँ। तो यहाँ पे एक तो अंडरग्राउंड हो गया, फिर स्टेम का आपका ट्रेंड्रिल का हो गया, और उसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कल अपन इसकी जो लीफ वाला पोर्शन है वो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।